छतरपुर शहर में दोपहर 2 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और पहले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रोड शो में भाग लिया। वहीं इसके बाद रामचरितमानस मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छतरपुर शहर की जनता विकास के लिए भाजपा को आशीर्वाद देते हुए विजयी बनाए। इस दौरान सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था नजर आई। सबसे पहले छत्रसाल चौराहे पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक स्वागत किया, जहाँ मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छतरपुर नगर के विकास के लिए भाजपा के सभी पार्षद प्रत्याशियों को बहुमत से जिताएं ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और आम नागरिक भी मौजूद रहे। विराट 24 न्यूज के लिए छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की मंच पर विराजमान लाख रुपए की राशि छतरपुर को दी। 8 पेयजल टंकी, 380 किलोमीटर पाइपलाइन, एक नहीं अनेकों काम विस्तार में नहीं जा रहा। और आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, अमृत 2 योजना में अकेले छतरपुर को 257 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि देने वाला हूं। पूरी योजना बन गई नगरोदय मिशन के अंतर्गत छतरपुर के विकास के लिए। और राजेश शुक्ला चिंता मत करना, वहां भी देंगे विद्यावर में, नहीं तो सोचो छतरपुर में ही दे रहे हैं। बड़ी देर करी नंदलाला, बहुत देर बार आए तो, लेकिन विकास के लिए भावी कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के अंतर्गत, BRGF के अंतर्गत, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत आपने छतरपुर के विकास को अपनी आंखों से देखा है। मैं आज उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। आपने देखा, मेरी बहनों तुमसे पूछ रहा हूं, दिया क्या कभी? उनने तो उल्टे कई नाम काट दिए थे राशन से। ये टीम बैठी है हमारी, पार्षद के उम्मीदवारों से भी कह रहा हूं, अपने अपने बाद में जाओ, जिनका नाम कट गया हो उनकी सूची बनाओ। मामा के खजाने में गरीबों के खाने के लिए पैसे की कमी नहीं है, सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा, गरीब की थाली खाली नहीं रहने दी जाएगी, ताकि भरपेट भोजन करें। दूसरी चीज, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी आप सब जानते हैं, हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और उस योजना के अंतर्गत हमने तय किया है, उस योजना के अंतर्गत कि कई जगह, मैं पृथ्वीपुर के चुनाव में गया था तो एक जगह लोग मिले और कहने लगे, मामा एक घर में 50 आदमी रह रहे हैं, कैसे सोए? इनका क्यों बात क्या है, 50 गाय को रह रहे? अरे कहने लगे, दादा के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई,